सो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्लास। और उससे पहले आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा है आप लोगों के घर में, आप सब लोग सेफ हैं। और मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है, मैं कॉल कर रहा हूँ। आई एम अप्रोचिंग स्टूडेंट्स, सो कुछ लोगों से बात हो चुका है, कुछ लोगों से धीरे धीरे डेली मैं कुछ कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो उनसे भी हो जाएगा। मैसेज एक कॉमन ही है कि भाई डेली पढ़ना है, डेली अपना जो भी वर्क है, आप लोग जो भी डेली करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो कुछ भी कर रहे हैं घर में, अगर आप पुराना भी रिवीजन कर रहे हैं, नया भी पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप कुछ पुराना भी रिवीजन करते हैं, तो जो भी आप पढ़ते हैं उसको रिवीजन करने के बाद आप डेली, आप क्या करें, आप जो भी डेली पढ़ रहे हैं उस चीज़ को रात में जब भी आप सोने जाएं या उससे थोड़ा पहले एक व्हाट्सएप पे मेरे को एक मैसेज अपना दे दें कि आज आपने क्या किया, पूरे दिन भर में केमिस्ट्री के अंदर क्या अचीव किया आपने, वो चीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, इससे दो बातें हो जाएंगी। एक तो हम लोगों का क्या होगा कि हम लोगों का एक रूटीन बन जाएगा कि हम खुद सोचेंगे कि हमें कुछ करना है, क्योंकि साकेत सर को रात में कुछ देना है हमको, लिख करके हमने आज क्या किया। दूसरी बात, हमारा रिवीजन भी थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये मैसेज कॉमन है सबके लिए, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को किसी भी ऑनलाइन क्लास के अंदर कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली कन्वे करें कि भाई आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो मुझे पता चलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पता चलेगा तो ही मैं उनको रिमूव करने की कोशिश कर पाऊँगा। तो जो भी ऐसा कुछ हो रहा हो, अगर है, अगर आप, आपको अच्छा लग रहा है क्लासेस, अगर आप अभी भी इंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर कहीं कहीं आपको कोई ट्रबल लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम है या कहीं पर आप मेरी हेल्प चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे कन्वे ज़रूर करो। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग स्टडी कर रहे थे कि कार्बन के अलावा क्या किरल सेंटर्स हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने देखा था कई सारे केसेस हमने क्या था स्टडी किए थे। आज उसके आगे का जो पार्ट है उसको हम स्टडी करेंगे, जो कंपाउंड्स के अंदर किरल सेंटर्स है लेकिन कार्बन नहीं है। कंपाउंड्स हैविंग किरल सेंटर्स बट दे आर नॉट कार्बन, तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। देखो, किरल सेंटर होने के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी कि भाई अल्टीमेटली आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक हो जाना चाहिए, इट शुड पोजेस अनसिमेट्री। ठीक है, और उसके अंदर हमने फिर एक चीज़ पढ़ी थी किरल कार्बन। तो किरल कार्बन में हमने जो देखा था उसमें क्या था कि कार्बन था, कार्बन की चार वैलेंसी पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच थे, और वो चारों ग्रुप्स जो थे वो डिफरेंट अटैच होने की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ गया था, एक असिमेट्रिक नेचर डेवलप हो गया था। और इसी वजह से हमने कार्बन को क्या बोला कि वो बेसिकली किरल कार्बन है, उसमें किसी भी टाइप से कोई प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होगी अगर मॉलिक्यूल में एक ही किरल कार्बन है तो। और उसको हमने क्या कंसिडर किया था, किरल सेंटर। तो किरल सेंटर बनने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि कार्बन जो होना चाहिए या जो भी एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। स्टीरियो सेंटर बनने के लिए ये कंडीशन नहीं है, स्टीरियो सेंटर बिना sp3 कार्बन के भी हो सकता है या बिना sp3 एटम के भी हो सकता है। आपने पिछली क्लास में ऐसे स्टीरियो सेंटर्स देखे जहाँ पर कार्बन जो थे वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं थे, लेकिन स्टिल देवर स्टीरियो सेंटर्स, स्टिल देवर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, वहाँ पे हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को देखा जिनके अंदर किरल कार्बन नहीं था, मगर स्टिल वहाँ पर स्टीरियो सेंटर वो बने, उन्होंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करी, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई। तो हमेशा किरल सेंटर ही ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा ऐसी बात नहीं है। आपके किरल का मीनिंग ही है कि मॉलिक्यूल में अनसिमेट्री आना, तो अनसिमेट्री किसी भी वजह से आ सकती है, लेकिन जब हम किरल बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं हम किरल बोलते ही एक हमारे दिमाग में एक मोशन क्रिएट हो जाता है, एक व्यू क्रिएट हो जाता है कि कार्बन पे लगे हुए चार डिफरेंट ग्रुप, तो हम उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं आज। तो कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा दूसरे ग्रुप्स हैं या दूसरे एटम्स हैं। तो दूसरे एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, कंडीशन क्या है, एटम होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखो, ये नाइट्रोजन की अगर हाइब्रिडाइजेशन अपन यहाँ चेक करें तो ये नाइट्रोजन अभी किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, यहाँ पर इट इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। नाइट्रोजन किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, और जो चारों ग्रुप इस पे लगे हुए हैं C3H7, CH3 और C2H5, ये चारों ही क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी तो बिल्कुल क्या करेंगे, किरल कार्बन के जैसा ही बिहेवियर शो करेंगे, इनके अंदर भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इनकी भी जब मिरर इमेज ली जाएगी तो कैसी आएगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये भी बेसिकली, ये नाइट्रोजन भी क्या है, किरल सेंटर है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, किरल नाइट्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन देखें फास्फोरस को, तो फास्फोरस का केस में भी क्या है, यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, फास्फोरस
फॉस्फोरस एटम इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रखा हुआ है, sp3। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन में है और जो चारों ग्रुप उस पर अटैच है वो आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में ये बेसिकली क्या रहेगा, अगेन ये भी किरल सेंटर है, फॉस्फोरस यहाँ पर एक किरल फॉस्फोरस सेंटर की तरह देखा जाएगा, किरल सेंटर की तरह देखा जाएगा। इसकी मिरर इमेजेस कैसी आएंगी, इस मॉलिक्यूल की नॉन सुपर इम्पोजिबल आएंगी, ये हम ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से सिलिकॉन देखें, सल्फर देखें और जर्मेनियम देखें। अब सल्फर में देखें, सल्फर के अंदर ये लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आप लोन पेयर को भी एक ग्रुप की तरह ही कंसिडर करिए, लोन पेयर CH3 C2H5 C3H7 और ये चारों बेसिकली क्या है, अगर आप देखें तो डिफरेंट है आपस में, और सल्फर कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये सल्फर भी किरल होगा। ठीक है, सल्फर एक बड़ा एटम है, काफ़ी बड़ा एटम है, इसीलिए सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं क्रिएट करता है और इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आ जाती हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल काफ़ी हैवियर हो गया है क्योंकि इस पर जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो भी कैसे हैवियर ही अटैच्ड हैं। तो आगे हम इसको स्टडी करने वाले हैं अगले केस में कि कई ऐसे आइटम हैं जिनके ऊपर जब लोन पेयर रहते हैं तो उस कंडीशन में वो किरल नहीं बनते, वो किरल सेंटर नहीं बन पाते हैं, उसका कारण रहता है कि उनके अंदर इंटर कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन सल्फर में ऐसा नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं, इसी तरीके से जर्मेनियम को देखिए, जर्मेनियम में भी क्या है, HCH3 C2H5 और C3H7 आपस में चारों डिफरेंट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसी वजह से जर्मेनियम भी यहाँ पर क्या कंसिडर किया जाएगा, किरल सेंटर ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारे ग्रुप्स में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, सिलिकन हो, सल्फर हो, जर्मेनियम हो, ये सब के सब क्या बन सकते हैं, किरल सेंटर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड sp3 हाइब्रिडाइजेशन और जो ग्रुप्स उन पर अटैच हों उनके चार बॉन्ड्स पे वो क्या हो, डिफरेंट हो। अब आते हैं हम अगले केस पे, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले सल्फर के लिए बोल रहा था, दैट इज अमीन इन्वर्जन। अमीन इन्वर्जन की बात करें तो बेसिकली अमीन इन्वर्जन में क्या है, अमीन इन्वर्जन इसे समझते हैं। अमीन इन्वर्जन को एक और नाम दिया जाता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप लोग याद रख सकते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन या अमीन इन्वर्जन इसको बोलते हैं, जो अभी हम देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन पे जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं कौन कौन सा है भाई, हाइड्रोजन अटैच्ड है, CH3 अटैच्ड है और C2H5 अटैच्ड है, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और एक चौथा उस पर लोन पेयर है, तो चारों ग्रुप आपस में डिफरेंट है। तो देखने से तो ये नाइट्रोजन क्या है, किरल लगता है, और अगर इसकी मिरर इमेज लगें तो वो भी, अगर आप देखें मिरर इमेज को उठा के रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल ही है। तो क्या ये आपस में इनेंचोमर्स हैं, नहीं है, ये आपस में इनेंचोमर्स नहीं है, इनको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज इन्वर्टोमर्स। व्हाट आर इन्वर्टोमर्स, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। इन्वर्टोमर्स आर बेसिकली नॉन रिजॉल्वेबल, इनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, इनको सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते तो ये बेसिकली आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि आइसोमर्स सेपरेबल होते हैं। ठीक है, उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी उन्हें सेपरेबल बना देती है एक दूसरे से, लेकिन ये सेपरेबल नहीं है। ऐसा क्यों भाई, ये तो दिख रहा है किरल नाइट्रोजन, चारों ग्रुप डिफरेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी मिरर इमेज भी सुपर इम्पोजिबल दिख रही है, तो फिर ये सेपरेबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल दिख रही है मिरर इमेज भी, तो फिर ये सेपरेबल क्यों नहीं है। बेसिकली जो अमीन होती है, सपोज करो मेरा ये अमीन है, दिस हैंड्स, ठीक है ना, जो आपका अगर आप आउटर पार्ट देखेंगे हैंड का, तो ये क्या है, अमीन है। ठीक है, और ये जो मेरा इनर पार्ट पाल्म है, ये भी क्या है, एक अमीन है, एंड दिस आर मिरर इमेजेस। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर इंटर कन्वर्टिंग विद ईच अदर कंसिस्टेंटली, दे आर रोटेटिंग लाइक दिस एट रूम टेम्परेचर, बार बार ऐसे, तो अब ये सेपरेबल नहीं रहे। इस आग को कैसे सेपरेट करोगे, इससे इस चीज़ को कैसे सेपरेट करोगे, ये तो इंटर कन्वर्टिबल है ना। ठीक है, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, बेसिकली ये जो लोन पेयर है ये रूम टेम्परेचर पे ही क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। तो अगर अगर आप इसकी मिरर इमेज निकालते भी हैं तो ये फॉर्मेशन के दौरान ऐसा क्रिएट नहीं हुआ होगा, ये बेसिकली इन्वर्जन ही हो रहा है, ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रूम टेम्परेचर पे इस तरीके से इन्वर्ट कर रहा है। इस वजह से ये कोई डिफरेंट ओरिएंटेशन कंसिडर नहीं किया जा सकता, डिफरेंट अरेंजमेंट कंसिडर नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से इसको हम सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि ये सेपरेट नहीं होगा इसी वजह से ये क्या है, आपका बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसकी मिरर इमेज को हम सुपर इम्पोजिबल जैसा ही कंसिडर कर लेंगे, लेकिन हालांकि वो सुपर इम्पोजिबल
है नहीं इंटरकन्वर्टिबल। हम ये नहीं कहेंगे कि सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है, हम ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये इंटरकन्वर्टिबल है, आपस में इंटरकन्वर्जन हो रहा है रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसी को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन या रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये रैपिडली हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, काफी फास्ट इस तरीके से इन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनको सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। यही सेम काम कार्बन आयंस में भी होता है। अगर आप कार्बन आयंस को देखेंगे तो कार्बन आयंस भी बिल्कुल इसी तरीके से अम्ब्रेला इन्वर्जन शो करते हैं। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू पुट कार्बन एट द प्लेस ऑफ नाइट्रोजन। अगेन दिस कार्बन इज किरल, अगर आप देखोगे तो कार्बन अभी भी किरल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, मगर सेम का कारण है अम्ब्रेला इन्वर्जन की वजह से, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन की वजह से। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आपस में इन्वर्टोमर्स होंगे, नॉन रिजॉल्वेबल होंगे, ये रिजॉल्व नहीं किए जा सकते, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये सेपरेबल नहीं है, तो दे आर नॉट बेसिकली ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये आपस में सेपरेट किए ही नहीं जा सकते, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो कार्बन आयंस, अमीन्स, ठीक है ना, जो स्मॉलर अमीन्स होती हैं वो बेसिकली इस तरीके के अमीन इन्वर्जन शो करती हैं, और उस कंडीशन में उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यही अमीन साइक्लिक हो, जो हमने अमीन देखी थी, ठीक है, तो अमीन हमने नॉर्मल अमीन देखा था, ठीक है, ये नॉर्मल एक आपका सिंपल अमीन था, सिंपल टर्शरी अमीन था। अगर हम क्या करें, टर्शरी अमीन तो लें, लेकिन कैसा लें, साइक्लिक लें, तो अब ये साइक्लिक अमीन जो होगी ना, ये बेसिकली इस अमीन का वेट बढ़ा देगी, और अमीन का वेट बढ़ने की वजह से, और बेसिकली इसमें अब इन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो हैं अब एक सर्टेन ओरिएंटेशन में हैं, अब ये यहाँ पर उतना रैपिडली इन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और इस कंडीशन में अब ये आपस में बेसिकली क्या है, इनेंचियोमर्स है। तो आप ये याद रखें कि जो हैवियर अमीन्स होंगी, काफ़ी हैवियर टर्शरी अमीन्स या साइक्लिक अमीन्स या अमीन के सॉल्ट्स, वो हमेशा क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, क्योंकि उनका रैपिड इन्वर्जन स्लो डाउन हो जाता है, और स्लो डाउन होते ही क्या होता है, वो उनको सेपरेबल किया जा सकता है, तो दे आर सेपरेबल। ठीक है, अब ये दोनों सेपरेट किए जा सकते हैं, ये दोनों सेपरेट किए जा सकते हैं, ये तो वैसे भी सेपरेट हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों ही डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, कोई इन्वर्जन वगैरह की बात है ही नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपस में क्या कहलाएंगे, इनेंचियोमर्स। दीस टू आर इनेंचियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनेंचियोमर्स, दीस टू आर ऑल्सो इनेंचियोमर्स, दीस टू आर ऑल्सो इनेंचियोमर्स। साइक्लिक अमीन्स में अमीन इन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारी सिंपल अमीन्स हैं, असाइक्लिक अमीन्स हैं, उनके अंदर अमीन इन्वर्जन देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, और उन कंडीशंस में आप कभी भी मॉलिक्यूल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम दे देंगे, इन्वर्टोमर्स, दे आर नॉन सेपरेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये सब हमारे इनेंचियोमर्स हैं। आगे देखते हैं अगली चीज़ जो हमें इसके अंदर स्टडी करनी है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालें। भाई हमारे पास कई सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली हमको यही पूछा जाए कि बताओ कितने डिफरेंट ओरिएंटेशंस आएंगे। डिफरेंट ओरिएंटेशंस आने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आना। तो डिफरेंट स्टीरियोमर्स कितने आएंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशन कितने आएंगे, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है, तो उस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ मुझे ये फिगर आउट करनी होगी कि मॉलिक्यूल के अंदर स्टीरियो सेंटर कितने हैं। अगर हमने ये फिगर आउट कर लिया कि स्टीरियो सेंटर कितने हैं, तो हमने 50% काम तो खत्म कर लिया, उसके बाद अगला 50% का काम होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती कि हम ये फिगर आउट करें कि स्टीरियो सेंटर कौन कौन है। अब स्टीरियो सेंटर किसे कहते हैं भाई, स्टीरियो सेंटर क्या होगा, जिस जिस भी सेंटर के अराउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मिल सकती है, जिस भी सेंटर के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिल सकती है, यानी बेसिकली जिस भी सेंटर के अराउंड, जिस भी कार्बन के अराउंड या जिस भी नाइट्रोजन या सल्फर या फॉस्फोरस या सिलिकन या जर्मेनियम के अराउंड क्या मिल सकता है, स्टीरियो आइसोमर बन सक मिल सकता है, वो बेसिकली क्या है आपका, स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों काउंट होंगे, तो स्टीरियो सेंटर किसे कहेंगे, जिसमें जिस सेंटर के अराउंड आपका ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मिल जाएगा, उसी को हम क्या बोल रहे होंगे, स्टीरियो सेंटर बोल रहे होंगे। और स्टीरियो सेंटर को हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है जिसमें अपने को बताना है कि कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं, तो अब इन सारे केसेस में हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं। तो देखिए सबसे पहला केस जो है राइबेरिक एसिड का है। राइबेरिक एसिड के अंदर अगर आप देखें तो इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें और इस कार्बन को देखें, तो ये कार्बन देखिए COOH,
एच ओ एच और ये एक बड़ा पूरा ग्रुप, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो बेसिकली ये क्या है हमारा, एक स्टीरियो सेंटर है, ठीक है, दिस इज एन स्टीरियो सेंटर, ठीक है, दिस इज अ स्टीरियो सेंटर। अगला देखो, इसको देखो, इस वाले कार्बन को देखो, एक दो तीन और ये बड़ा ग्रुप, तो ये भी क्या है, स्टीरियो सेंटर है, तो दिस इज अगेन अ स्टीरियो सेंटर, ठीक है। अब इसको देखो, ओ एच एच, अब ऊपर वाले ग्रुप को देखो और नीचे वाले ग्रुप को देखो, ये देखने में एग्जैक्टली सिमिलर है, हाँ कि ना। तो अगर ये एग्जैक्टली सिमिलर है तो क्या मैं इसको स्टीरियो सेंटर बोल सकता हूँ क्या? क्या ये किरल सेंटर है क्या? क्या ये कार्बन किरल है क्या? ये कार्बन किरल हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे तो ओरिएंटेशन चेंज हो सकते हैं, अगर सपोज करो अगले आइसोमर में ये OH यहाँ आया और ये H यहाँ आया, तो अब ये क्या होगा, अब तो ये डिफरेंट हो गया, ये ओरिएंटेशन अलग है और ये ओरिएंटेशन अलग है। तो बेसिकली दिस कार्बन कैन बिकम अ स्टीरियो सेंटर, कैन बिकम अ किरल सेंटर, डिपेंडिंग ऑन दी ओरिएंटेशन, और ऊपर और नीचे के ओरिएंटेशन चेंज होंगे ही, क्योंकि हम स्टीरियो आइसोमर्स बनाने वाले हैं, वो दोनों किरल हैं, तो उनके तो डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलेंगे ही, तो इनके डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलते ये भी किरल हो जाएगा। तो इस सेंटर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं इसको हम, और ये कहा जाता है क्या, स्यूडो काइरल सेंटर। दिस इज नॉट एक्चुअली काइरल, दिस इज टर्म्ड एज स्यूडो काइरल, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज अ स्यूडो काइरल कार्बन, ठीक है, स्यूडो किरल है ये। स्यूडो किरल किस लिए, क्योंकि ये किसी कंडीशन में तो किरल बिहेव करेगा और दूसरी कंडीशन में किरल बिहेव नहीं करेगा। अभी ये किरल बिहेव नहीं करेगा, लेकिन एक नीचे का ओरिएंटेशन या ऊपर की किसी में से ओरिएंटेशन चेंज कर दो तो किरल बिहेव करेगा। तो बेसिकली ये क्या है, स्यूडो किरल है, ठीक है ना, ये बिहेव कर भी सकता है किरल की तरह, नहीं भी कर सकता है, तो स्यूडो किरल सेंटर है, क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे, दिस टाइप ऑफ सेंटर्स आर टर्म्ड एज स्यूडो काइरल, और इनको भी हम स्टीरियो सेंटर की तरह ही गिनते हैं, ठीक है। सो राइबेरिक एसिड है ये, हम ध्यान रखेंगे इसको, क्लियर। तो यहाँ पर टोटल अगर आप देखें तो टोटल स्टीरियो सेंटर्स कितने हो गए, यहाँ पर तीन हो गए, एक दो और तीन, क्योंकि मिलेगा इसके अराउंड भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्टीरियो सेंटर ही कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखो तो इसमें भी कितने स्टीरियो सेंटर है, एक दो और तीन, बीच वाला यहाँ पर भी क्या है, बीच वाला यहाँ पर भी स्यूडो काइरल ही है, लेकिन स्टीरियो सेंटर तो है, ठीक है। अगेन इसमें देखें तो यहाँ पर भी तीन स्टीरियो सेंटर हो गए। अगला केस देखिए, इसमें देखो ये किरल है एक स्टीरियो सेंटर, ये किरल है एक स्टीरियो सेंटर, और भाई ये क्या है, पाई बॉन्ड, तो इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी, सिस या ट्रांस, है ना, तो ये भी क्या है, स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ पर टोटल स्टीरियो सेंटर कितना है, एक दो और तीन, तो टोटल स्टीरियो सेंटर्स यहाँ पर भी कितने हैं, तीन ही, ठीक है। तो GI को भी हमको कैसा गिनना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहाँ पे ऑब्जर्व हो सकती है वहाँ पर भी हमें कैसा गिनना है, स्टीरियो सेंटर की तरह ही काउंट करना है। अगला केस देखो, इसमें देखो ये आपका क्या दे सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये क्या दे सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये क्या दे सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो तीन तो ये हो गए और एक यहाँ पे किरल है, यहाँ पर किरल है, तो ये क्या हो गया, टोटल स्टीरियो सेंटर्स का नंबर कितना हो गया यहाँ पर, पाँच। तो इसमें टोटल स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं, फाइव हैं। इसी तरीके से आप इसमें देखिए, अब इसमें देखो एक दो तीन, तीन तो किरल सेंटर्स हो गए, क्या ये स्यूडो किरल है क्या, ये स्यूडो किरल नहीं है, ये किरल ही है, क्यों, क्योंकि आप देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में है ही डिफरेंट, तो क्योंकि ये ग्रुप आपस में डिफरेंट है तो ये कभी भी ये ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रुप सेम नहीं होगा, तो ये बेसिकली स्यूडो किरल नहीं, किरल ही है। तो तीनों किरल हैं और ये एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे मिल सकती है, तो बेसिकली यहाँ पर कितना हो गया, चार हो गया, क्या इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकती है, नहीं, क्योंकि दोनों CH3 हैं, सिमिलर हो जाने पर GI नहीं मिलता, तो ये डबल बॉन्ड के अराउंड GI नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अराउंड, इसके अराउंड, इसके अराउंड और इसके अराउंड आपको क्या मिलेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो इसके टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हैं, चार हैं। इसके एग्जांपल्स और करने वाले हैं हम कि किस तरीके से टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे और कैसा इनका फॉर्मूला होता है, उसको हम अगले सेशन में चेक करेंगे। दैट्स इट।